गांधी जी स्वयं बनने के लिए तो उन्होंने किया ही परिश्रम, जो जो उन्होंने कहा है वो उनका अपना किया हुआ है, वो पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोगों में नहीं थे। डॉक्टर हरिवार ने उनके बारे में 1922 में एक सभा में कहा था, कांग्रेसजनों के सामने ही उनको कहा था बोलने के लिए गांधी जी के बारे में। गांधी जी को जेल में डाला था तो उस दिन फिर एक गांधी जी के सारे विचारों का स्मरण वगैरह करने के लिए कांग्रेस कमेटी सभा करती थी, तो उसमें डॉक्टर हेडगेवार को बुलाया था वक्ता के नाम। तो उन्होंने ये कहा कि केवल सभा और स्मरण करके काम नहीं होगा, गांधी जी का जो अपने ध्येय सिद्धि के लिए पराकोटि का त्याग है, निस्वार्थ बुद्धि है और प्रामाणिकता है और ध्येय के प्राप्ति के लिए सर्वस्व समर्पण की तैयारी है, उसका हमको अनुकरण करना पड़ेगा। तो गांधी जी स्वयं उन्होंने जो जो लिखा बोला है उसका उदाहरण बने ही है, कभी कभी तो पराकोटि की अतिवादिता में जाकर भी बने ऐसा किसी किसी को लगता है, लेकिन आदर्श जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जिन गुणों का वो आदर्श है उसकी अति उनमें रहती है, होनी पड़ती है, नहीं तो आदर्श नहीं बन सकते, वो प्रकाश नहीं दे सकते। तो गांधी जी स्वयं आदर्श थे, लेकिन अभी बताया कि मैं ये सहन नहीं करूंगा और मैं ये आपको सहन नहीं करने दूंगा, मैं अपने स्वधर्मों को समझकर देशभक्त अच्छा बनूंगा और मैं आपको भी आपके स्वधर्म को समझकर अच्छा देशभक्त बनने के लिए बाध्य करूंगा। ये उन्होंने जीवित कार्य लिया था और इसलिए उनको जो बात करनी पड़ती थी लोगों की भाषा में करनी पड़ती थी, और जैसा हम सब लोग जानते हैं कि धर्म ये खास भारत का शब्द है, भारत की सब भाषाओं के लिए भाषाओं में धर्म शब्द है अथवा धर्म के लिए योग्य प्रतिशब्द है।